EMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। हमारा एक अनुरोध अपने सभी दर्शकों से है कि यदि वो पूरा वीडियो देखेंगे तो उन्हें सही तरीके से समझ आएगा, तो यदि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छा होगा। आज बात कर रहे हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार के पास जो ईडी के रूप में एक ब्रह्मास्त्र था, केंद्र सरकार जहाँ चाहती थी वहाँ पर इस ब्रह्मास्त्र को चला देती थी और इस ब्रह्मास्त्र से किसी का भी बच पाना बहुत मुश्किल था। पिछले दो वर्षों में ईडी का खौफ इतना ज़बरदस्त हो गया था कि सारे लोग ईडी के से डरने लगे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग ईडी के अधिकारी बनकर लाखों रुपये और करोड़ों रुपए की ठगी भी करने लगे थे और पैरेलल ईडी के ऑफिस देश के जगह जगह बनने लगे थे और लोग ईडी के नाम पर धोखाधड़ी कर पा रहे थे। ऐसा क्या था ईडी में कि जिसके कारण सारे लोगों में एक भय और दहशत का वातावरण बन गया था? केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो अधिकार दिए थे कि वह किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ कर सकती है और गिरफ्तार व्यक्ति को खुद अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा और जब तक ईडी चार्जशीट पूरी जमा नहीं कर देगी और निरपराध साबित नहीं हो जाएगा, या ईडी जब तक ये नहीं कहेगी कि हाँ अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है और इनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए, तभी कोर्ट जमानत दे सकती थी। तो इस प्रावधान का बहुत दुरुपयोग केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने किया है और राजनीतिक स्तर पर भी यह लगातार आरोप लगता रहा है कि ईडी की कार्रवाई उन्हीं लोगों पर हो रही है जो सरकार का विरोध करते हैं या जो सरकार के लिए कहीं से भी सरकार अपनी बात मनवाना चाहती है तो वहाँ ईडी के अधिकारी सक्रिय कर देती है। और जैसे ही ईडी अपनी जांच प्रक्रिया शुरू करती थी उसके बाद लोगों में इतनी दहशत आती थी कि सरकार जो चाहती थी वही काम करने पड़ते थे। ईडी का खौफ विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर इतना हो गया था कि वह अपनी पार्टी छोड़ छोड़ कर और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने लगे थे। तो ये सरकार के ऊपर पिछले एक डेढ़ वर्षों से लगातार आरोप लगता रहा है कि ईडी का भय दिखाकर विपक्षी दलों को तोड़ा जा रहा है और विपक्षी पहले भाजपा आरोप लगाती है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये हैं, वो हैं और उसके बाद फिर उनकी जांच शुरू हो जाती है और भय के कारण वो लोग अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और सरकारें अस्थिर हो जाती हैं, राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक दल बहुत कमज़ोर हो गए। बहरहाल डेढ़ दो साल से ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। शराब घोटाला सबसे चर्चित घोटाला है ईडी का, जिसमें दो साल पहले उन्होंने कोई गिरफ्तारी की और दो साल में भी वो सबूत नहीं जुटा पाए। पहले सत्यन जैन गिरफ्तार हुए, उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए, अब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए और ये गिरफ्तारी और भी कई लोगों की इसी मामले में गिरफ्तारी हुई, के कविता की भी गिरफ्तारी हुई है, के कविता भी जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, सत्यन जैन जेल में बंद है। और ईडी से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो गया था और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि ईडी के पास कोई सबूत भी नहीं थे। उसके बाद भी साल साल धीरे धीरे दो दो साल से लोगों की जमानतें नहीं हो पा रही थी और इसका भी एक राजनीतिक भाजपा हमेशा कहती थी कि भाई अब मामला न्यायालय में है और न्यायालय आपको जमानत नहीं दे रही है, इसका मतलब आप भ्रष्टाचार कुछ तो किया होगा। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि जब तक ईडी जमानत के लिए राजी नहीं होगी तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जमानत इन लोगों को नहीं दे पा रहे थे। अब इस मामले में सारी सुनवाई हुई, ईडी में जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनके जो नियम कायदे कानून थे ईडी के अधिकारियों ने उनका पालन नहीं करते हुए और किसी को भी पूछताछ के नाम पर बुलाया और उसकी गिरफ्तारी कर लेते थे और उसकी गिरफ्तारी के बाद
फिर उसे कई महीनों वर्षों तक जमानत नहीं मिलती थी। अभी हाल ही में जब चुनावी बांड का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये खुलासा हुआ, तो बहुत सारा मामला ये भी निकल के आया है कि जिनके यहाँ ईडी ने छापे डाले थे और जिनके यहाँ या जमानत पे जिन्हें छोड़ा गया है, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा भी दिया गया है। तो जिन लोगों ने के यहाँ ईडी की जांच शुरू हुई, तो या तो उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसके बाद ईडी ने उस पर कार्रवाई बंद कर दी, कुछ लोगों ने चंदा देना शुरू कर दिया, और तरह तरह से ईडी का उपयोग राजनीतिक हितों के लिए करने का आरोप सरकार के ऊपर लगता रहा है। लेकिन जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जब डिटेल अध्ययन किया, तो उसके बाद केजरीवाल को भी सबूत नहीं होने के कारण अंतरिम जमानत देने का निर्णय ईडी के अधिकारियों के विरोध के बाद भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिया, क्योंकि जमानत देने का अधिकार न्यायपालिका को है और न्यायपालिका ने अपने इस अधिकार का उपयोग किया, वहाँ पर ईडी की बात नहीं मानी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय ओका और उज्ज्वल भुइया साहब की खंडपीठ ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले ने ईडी के ब्रह्मास्त्र को एक तरह से नष्ट कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब आप समन जारी करते हैं और समन के द्वारा पूछताछ करते हैं, तो उसे आप उस आधार पर गिरफ्तारी नहीं कर सकते हो। गिरफ्तारी करने के लिए आपको विशेष अदालत से सबूत दिखा के अनुमति लेनी होगी। यदि आपके पास कोई मामला आया है और आप यदि समन भी जारी करते हैं, तो भी आप विशेष अदालत से, यदि कोई आदमी वहाँ उपस्थित हो जाता है उस संबंध के विशेष पे, तो भी उसे गिरफ्तारी आपको अधिकार नहीं मिलते हैं। और केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पीएमएलए कानून की धारा 45 का जो उपयोग करते थे, जो आरोपियों की जमानत में सबसे ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ईडी के अधिकारियों के हाथ बांध दिए हैं। अब उसके लिए उन्होंने कहा है कि यदि आपके पास कोई सबूत हैं, तो आप विशेष अदालत में जाइए, जाके वहाँ से फिर आप समन जारी कराइए, उसी गिरफ्तारी की अनुमति लीजिए और गिरफ्तारी करके मामला चलाइए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का मतलब जो निर्णय है, ताज़ा निर्णय, उसके अनुसार कि अब ईडी अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी और ईडी के अधिकारियों की जवाबदेही तय हो गई है। अब वो ये नहीं कह पाएंगे कि जिनको हमने गिरफ्तार किया है वो खुद साबित करें कि हमने कोई अपराध नहीं किया, और ईडी के अधिकारी गिरफ्तारी करने के बाद कि हम सबूत जुटा रहे हैं। तो शराब घोटाला सबसे पुराना घोटाला हो गया, जिसमें 2 साल का समय हो गया, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसे सबूत ईडी के अधिकारी नहीं दे पाए थे जिनके कारण उनकी जमानत नहीं हो और ये मुकदमा आगे चल सके। ईडी के अधिकारी चार्जशीट पेश करते जाते थे, वो मामले पे तारीख पर तारीख लेके, और विपक्षी दलों के नेताओं को या जिनको उन्हें प्रताड़ित करना होता था तो उनके प्रताड़ित करते थे महाराष्ट्र में और कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में ईडी के नकली अधिकारी बनकर करोड़ों रुपए की लूट के मामले भी सामने आए हैं। और ये ईडी का इतना भय हो गया था कि आपातकाल, जो घोषित आपातकाल 1975 का था, उस समय भी इतनी दहशत लोगों में नहीं थी जितनी दहशत अब ईडी की हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर जो शिकंजा कसा है, उसका सबसे बड़ा और ख़राब असर केंद्र सरकार और भाजपा को पड़ने जा रहा है। अभी तक ईडी के कारण जितने भी किसी के भी ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते थे, ईडी जैसे ही सक्रिय होती थी, या तो वो पार्टी छोड़कर, अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लेता था, या सरकारें बनने और बिगड़ने के काम में भी ईडी के अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल था। और ईडी बिना सबूत के भी इस कानून का जो दुरुपयोग कर रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर शिकंजा कस दिया है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ है, उसके बाद
ये तय हो गया है कि मनीष सिसोदिया और सत्येन जैन को भी अब ज़्यादा दिनों तक जेल में बंद नहीं रख पाएंगे, के कविता को भी रिहाई मिलेगी और ईडी बिना सबूत के या भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग से उसका कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन ईडी बीच में इन्वॉल्व हो जाती थी और जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होता था और उसके बाद ईडी के अधिकारियों की मर्जी पर ही उनकी रिहाई हो सकती थी, जमानत हो सकती थी और जो पिछले कई महीनों से जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनकी जमानतें नहीं हो रही थी। इसका जो राजनीतिक हितों के लिए ईडी का जो दुरुपयोग हुआ है, तो एक टाइम कभी ये कहा जाता था कि सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है, तो वो तो तोता भर बन के रह गई थी, लेकिन जो ईडी है, ईडी ने सीबीआई को भी सारे भुला दिए लोगों को, इवन ये जो कानून बना हुआ है पीएमएलए कानून के कारण लोगों में इतनी दहशत आ गई थी कि हर आदमी बचना चाहता था, और हद तो तब हो गई जब सरकार ने इसमें पूर्व न्यायाधीश और पूर्व सेना के अधिकारियों को भी इसमें दायरे में ले आए कि इनको भी ईडी में, इनके ऊपर यदि कोई आरोप है तो ईडी इनकी भी जांच कर सकती है। बहरहाल जो एक भय का वातावरण बन गया था पिछले 2 साल से, अब सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर के बाद एक तो वो भय का वातावरण खत्म होगा, दूसरा न्यायालयों की साख अब बढ़ेगी कि यदि ईडी के पास कोई सबूत हैं और उसे गिरफ्तारी जरूरी है या संपत्ति कुर करना जरूरी है जो भी है, तो अब उस मामले में विशेष अदालतों से अनुमति लेने के बाद ही ईडी के अधिकारी कार्रवाई कर पाएंगे। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच में ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि ईडी के यदि ये पावर खत्म हो गए हैं, तो अभी तक केंद्र सरकार के पास ईडी के रूप में जो ब्रह्मास्त्र था, अब यदि वो ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा तो केंद्र सरकार के लिए चुनौतियां आगे और भी बढ़ेंगी। अभी तक जो लोग अपनी बात कहने से डरते थे, जो अधिकारी और जो भी राजनेता हैं वो सरकार के किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाते थे, अब वो बात अपनी रख पाएंगे। और एक जो भय कि अब कब तक, एक बार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया कब छूटेंगे पता नहीं। और एएनआई से ज़्यादा पावर ईडी को मिल गए थे और ईडी ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो हर किसी मामले में, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो चाहे कोई भी किस्म की शिकायत हो, सब में इन्वॉल्व हो जाती थी। और इस जबकि ये जो कानून है केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय को जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो अधिकार मिले थे, उसका मूल उद्देश्य था कि जो आतंकवादी घटनाएं विश्व स्तर पर होती हैं उनको रोकने के लिए ईडी को पावर दिए गए थे, उसमें आतंकवाद और नारकोटिक्स जो मादक पदार्थों की तस्करी होती थी, यह कानून इनके लिए लाया गया था। लेकिन इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया गया, जिसके कारण इसमें बड़ी दहशत लोगों में मची हुई थी। अब जब ये कानून नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसको लेकर लोग चर्चाएं करने लगे हैं। और केंद्र सरकार की शक्तियां ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह से कम होंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। एक राजीव नारायण जोशी हैं, उन्होंने ये बात अपनी पिछले लगातार जो भविष्यवाणियाँ की हैं उसमें उन्होंने ये कहा था कि चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे ऑर्डर करेगी जिससे केंद्र सरकार और भाजपा के लिए परेशानी बढ़ती ही चली जाएंगी, और वो जो भाजपा सोच रही है वो संभव नहीं है। और अगली सरकार, उनका कहना ये था कि अब इंडिया गठबंधन की बनेगी, ये सरकार वापस नहीं आ रही है। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो इस बात के लिए बता रहा है कि जब उनके पास ईडी का ब्रह्मास्त्र ही नहीं रहेगा इस तरीके का, तो निश्चित रूप से इसका असर केंद्र सरकार की और भाजपा की सेहत पर पड़ना तय है। बड़ी तेज़ी से राजनीतिक घटनाचक्र बदल रहे हैं और उसमें ये जो निर्णय आज का है ये अति महत्वपूर्ण निर्णय है। और ये आशा की जा सकती है कि अब
जो भय का वातावरण बना हुआ था ईडी से, वह दूर होगा। सारे ब्यूरोक्रेट्स, न्यायपालिका और सब लोग स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे, ऐसा आशा की जानी चाहिए। नमस्कार।